हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूथफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में। फ्रेंड्स, नारियल छीलना सबको बहुत ही परेशानी का काम लगता है, लेकिन इस वीडियो में आज आप देखेंगे नारियल को छीलने का बहुत ही आसान सा तरीका, जिससे आप नारियल को बहुत ही आसानी से छील के उसके छिलके से नारियल भी बहुत ही इजीली रिमूव कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपका मुश्किल लगने वाला काम बहुत ही आसान हो जाए। अब यहाँ पे हमने लिया है एक भरपूर पानी वाला फ्रेश नारियल, और इस नारियल के ऊपर जो छिलका होता है वो आप किसी नाइफ या स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप इसे निकाल ले। इस नारियल के ऊपर थोड़ा सा छिलका मैंने रख दिया है ताकि इस नारियल को पकड़ने में आसानी हो। इस नारियल को तीन होल्स होते हैं, जिसमें एक जो होल है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। इस एक सॉफ्ट होल्स को हम ब्रेक करके उसमें से नारियल का पानी निकालेंगे। इस नारियल में से पूरा पानी निकालने के बाद अब हम करेंगे गैस को ऑन। अब इस नारियल को हम गैस पे रखेंगे। एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से मैंने इस नारियल को गैस पे रखा है। इस नारियल को हमें 2 से 3 मिनट के लिए गैस पे गर्म कर लेना है। ज़्यादा इसे जलाना नहीं है, सिर्फ इस नारियल पे हल्के से क्रैक आने तक हमें इस नारियल को गैस पे रखना है। इस नारियल को गोल गोल घुमाते हुए सभी साइड्स पे इसे हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। 2 मिनट से ज़्यादा आप इस नारियल को गैस पे गर्म ना करें। कुछ ही मिनटों में आप देख सकते हैं कि इस नारियल के ऊपर काफ़ी क्रैक्स आ गए हैं। ऐसे ही क्रैक्स आने तक हम इस नारियल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम करेंगे गैस को बंद और इस नारियल को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये नारियल हल्का सा ठंडा हो गया है। अब किसी हेवी चीज़ से आप इस नारियल के ऊपर हल्के हाथ से टैप करते जाएं, ताकि ये जो शेल है वो भी नारियल से सेपरेट हो जाए। इस तरीके से इस नारियल की पीसेस को हमने सेपरेट कर लिया है। अब किसी नाइफ या स्पून की हेल्प से इस छिलके से हम नारियल को निकाल लेंगे। ये देखिए, बहुत ही हल्के हाथ से सिर्फ स्पून से ऊपर करते ही ये नारियल छिलके से सेपरेट हो गया है, और ये बिल्कुल भी जला नहीं है। बिना किसी मेहनत के सिर्फ हल्के हाथ से इस नारियल को हम छिलके से सेपरेट कर सकते हैं। बहुत ही हल्के हाथ से चम्मच से निकालते ही ये नारियल छिलके से सेपरेट हो गया है। ये देखिए, ये तो नारियल का काफी बड़ा पीस है, वो भी स्पून की हेल्प से। आप देख सकते हैं कि बिना किसी मेहनत के सिर्फ हल्के हाथ से हम इस नारियल को निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से इस नारियल को हमने छिलके से सेपरेट कर लिया है, और इसे हल्का सा गर्म करने के बाद भी इसका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। अब इस नारियल को आप किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हो। सो देखा फ्रेंड्स आपने, कितनी आसान तरीके से हमने इस छिलके से नारियल को सेपरेट कर लिया है। तो आप भी इसी मेथड का इस्तेमाल करके नारियल को बहुत ही आसानी से छील सकते हो। अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे दिए गए बेल बटन को प्रेस कीजिए, ऐसे ही कुछ नए और यूजफुल वीडियोस को सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए।